जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सैस्केटून सीरीज़ बना रहा हूँ, सैस्केटून ब्लॉग्स बना रहा हूँ, जिसमें मैं दो पार्ट ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ और ये होगा उसका तीसरा पार्ट और इसका नाम है ईद इन सैस्केटून। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि कनाडा में ईद कैसे मनाते हैं या सैस्केटून में इन पर्टिकुलर कैसा फील होता है। ये काफ़ी हॉल्स हैं और हम हॉल ई में जा रहे हैं जहाँ पर अरेंज किया गया है नमाज के लिए। अगर आपको लोगों को कुछ एडवाइस देनी हो जो बैंकिंग फील्ड में आना चाहते हैं सस्केचुआन में, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? गर्मा गर्म पूड़ियां सस्केचुआन में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हसन सलीम और मैं हूं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट कनाडा का और प्रैक्टिस करता हूं सैस्केटून सस्केचुआन में। आज है ईद का दिन, तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस वक्त हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, मेरी पूरी फैमिली रेडी हो चुकी है और हम गाड़ी में बैठने लगे और हम जाने लगे हैं उस जगह पर जहाँ पर हो रही है नमाज। हम जा रहे हैं दूसरे वाली नमाज पर क्योंकि इतना ज़्यादा कम्युनिटी का रश बढ़ गया है, मुस्लिम कम्युनिटी का, इन सस्केचुआन इन सैस्केटून अब दो नमाजें हो रही हैं। तो पहली नमाज हो चुकी है और हम दूसरी के लिए जा रहे हैं और ये था मेरा भाई हॉर्न करता हुआ कार का कि जल्दी अब आ जाओ कार में बैठो ताकि हम लेट ना हो जाएं। तो अब हम जाते हैं कार के अंदर और मैं आपको दिखाऊँगा सारा मंजर कैसा लगता है ईद पढ़ना सैस्केटून में, और काफ़ी रश हो गया है तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगा इस वीलॉग में। ये हमारे हैं प्रेरी लैंड पार्क में, यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाएगी। एक नमाज, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि एक नमाज़ हो चुकी है, अब ये दूसरी नमाज़ के लिए लोग जा रहे हैं। ये टेक्निकली ये मॉस्क नहीं है, ये एक एग्जीबिशन हॉल है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हॉल्स हैं और इसी तरह जब ईद होती है तो जो यहाँ की इस्लामिक एसोसिएशन है वो यहाँ पे हॉल्स वगैरह बुक करती है और वहाँ पर जाकर मुस्लिम कम्युनिटी नमाज़ वगैरह पढ़ती है और काफ़ी इसमें गुंजाइश होती है लोगों के बैठने की और नमाज़ पढ़ने की। इसलिए ये प्रेरी लैंड पार्क मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईद के लिए सेलेक्ट किया जाता है एज अ डेस्टिनेशन फॉर प्रेयर्स। ये काफ़ी हॉल्स हैं और हम हॉल ई में जा रहे हैं जहाँ पर अरेंज किया गया है नमाज के लिए। तो ये आपको अंदर जा कर भी हॉल ई दिखाता हूँ किस तरह लगता है। लकीली हम बहुत अच्छे टाइम पर आ गए हैं, इस वक्त इतना रश फील नहीं हो रहा क्योंकि फिर बाद में पार्किंग का भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है और नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये बाहर का व्यू आप इस वक्त देख सकते हैं, अभी हम हॉल के अंदर नहीं गए और इस वक्त काफ़ी लोग यहाँ पे डोनेशन वगैरह के लिए स्टॉल्स वगैरह बनाए गए हैं और काफ़ी रौनक है। देख सकते हैं आप, लोग अभी एंटर हो रहे हैं और काफ़ी डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, ऐसा रेगुलर डेज में ऑब्वियसली नहीं होता। ईद का ओकेजन है और मौके पर सब लोग डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट ट्रेडिशंस के साथ डिफरेंट ड्रेस अप होके इस वक्त मॉस्क के लिए नमाज के लिए आ रहे हैं। Second announcement for the kids specifically. All the kids, all the children, please listen closely. We have goodie bags for you outside. In order to collect a goodie bag. और राइट जी, हम नमाज़ पढ़ाए हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं वापस घर और उसके बाद हम इनवाइटेड हैं एक्चुअली अपने एक रिलेटिव की तरफ, वहाँ पर जाकर हम करेंगे नाश्ता क्योंकि 30 दिन गुजर चुके हैं रमज़ान के और नाश्ता करने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तो बहुत मज़े मज़े के नाश्ते बने हुए हैं, आई थिंक पाए, हलवा पूड़ी, चने, निहारी, सब कुछ इस तरह का होगा। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा मेन्यू में क्या है क्योंकि आपको पता है जब रमज़ान होता है तो आपको बहुत सी क्रेविंग्स होती हैं लेकिन आप नाश्ता नहीं कर पाते और 30 दिन के बाद सिंस ये ईद है और इट्स टाइम टू सेलिब्रेट और हम इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे अच्छे अच्छे खानों के साथ। और इस वक्त मेरी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा अपनी ईद को, और जहाँ कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको और आपके अहले आना को ईद मुबारक हम सब की तरफ से। तो जैसा मैंने कहा था कि हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के घर जहाँ पर हम करेंगे नाश्ता, और मैं इस वक्त आ चुका हूँ। बहुत विंडी है इस वक्त, बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, और ये एरिया है सैस्केटून का जिसे हम एस्पन रिज कहते हैं। काफ़ी न्यू डेवलपमेंट है, बहुत खूबसूरत घर है, यहाँ पर नए नए घर बने हुए हैं, और उन्हीं में से एक घर है जहाँ पर हम इस वक्त जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊँगा अंदर का समा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं, और कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे ईद को। घर है ये, मैं बस जाने वाला हूँ अंदर, और ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत बादल। सस्कैचुआन को कहा जाता है लैंड ऑफ लिविंग स्काइज, और ये आप स्काई देख सकते हैं, वाकई बहुत ही हसीन लगा। इस वक्त हम अपने घर के अंदर, आप जैसे देख सकते हैं पीछे मेरे बहुत प्यारी चल रही हैं, निहारी बन रही है, और कबाब वाले सालन बन गया है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, हलवा पूड़ी वगैरह सब कुछ चल रहा है। इसके साथ साथ मैं जहाँ पर आया हुआ हूँ वो करते हैं काम बैंक में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मिलवाऊँ उनसे और बताऊँ, जो लोग बैंक में हैं या एचआर में हैं, एडमिन में हैं, उन लोगों को जो क्वेश्चंस हैं कि सस्कैचुआन की लाइफ कैसी होती है, तो उसके लिए मैं मिलवाऊंगा आपको बहुत ही अच्छे इंसान उस्मान साहब से। उस्मान साहब से हेलो टू एवरीवन। हेलो टू एवरीवन जी। उस्मान साहब, आप यहां पर सस्कैचुआन में कितने अर्से से हैं? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं। तो अगर आपको लोगों को कुछ एडवाइस देनी हो जो बैंकिंग फील्ड में आना चाहते हैं सस्कैचुआन में, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, और क्या कोर्सेज करने चाहिए, या क्या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन सस्कैचुआन या सैस्केटून? श्योर जी, इफ यू बाईपास द कैशियर जॉब, यू नो, यू जस्ट नीड टू गेट टू कोर्सेज लाइक CSI और IFIC. IFIC इजी है, वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट भी पास कर सकते हैं जिनका 5 साल में बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। CSI जैसे कि डिफिकल्ट है, उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो अच्छा है बिगिनिंग में हो जाए तो आपको फ्यूचर में आसानी होगी, लेकिन इफिक ये है कि आप कर लें तो आपको एक गुड स्टार्ट मिल सकता है बैंकिंग से। तो सैलरी वगैरह के लिहाज से एक जो बैंकर की सैलरी होती है उससे आप एक सैस्केटून में अच्छा घर चला सकते हैं? हाँ जी, बट उसके लिए आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है फाइनेंशियल एडवाइजर की वो 50,000 to 60,000 है। अभी डिपेंड अपॉन योर नीड्स के आपके इसके अंदर गुजारा होता है कि नहीं, लेकिन मैं हूँ जैसे कि पार्ट टाइम कुछ ना कुछ साथ चलना चाहिए। यानी कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं तो अगर आप जॉब कर रहे हैं साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हैं अगर आप मोर सर्टिफिकेशंस वगैरह करते हैं और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, स्पेशली अकॉर्डिंग टू कनेडियन स्पेसिफिकेशंस, तो आपको ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे। और एक तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम बहुत अच्छे अच्छे नाश्ते करने वाले हैं, तो मैं चले आपको दिखाता हूँ और मिलवाता हूँ सबसे कि क्या क्या बन रहा है इस वक्त मेन्यू में, क्या है, ताकि आप लोग भी देख सकें कि हम ईद किस तरह सेलिब्रेट करें। और 30 दिन के रमज़ान के बाद अब जो हम नाश्ता करने वाले हैं वो कितना बेहतरीन होने वाला है, तो चलिए आइए देखते हैं कितना क्या चल रहा है। आप हमें गाइड करेंगे इस वक्त क्या क्या तैयारी हो रही है नाश्ते की? जी, हम यहाँ पे बना रहे हैं थारी, और हमारे पाए भी रेडी हैं, बस डिश आउट करने हैं। क्या बात। और पूड़ियां, हलवा, और ये देखें जी सबसे बेहतरीन जो चीज है वो हलवा पूड़ी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि लाहौरी नाश्ता, वो पूरा लाहौरी नाश्ता हो रहा है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो चीजें मिस करते हैं वो है हलवा पूड़ी को। और ये बहुत जबरदस्त देखें पेड़े बन चुके हैं, और यहाँ पे पूड़ियाँ तली जा रही हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर गर्मा गर्म चने, पूड़ी वाले चने जो होते हैं, उसके साथ हलवा और ये अचार भी है इसके साथ, और दूसरे चने भी यहाँ पर, और साथ डिजर्ट के लिए केक, और अभी और भी चीजें होंगी जो हम निकालें, मलाई कोफ्ता, हुए आज तो अखीर होने वाली है, आज तो जबरदस्त किस्म की तैयारी है और बहुत मजा आने वाला है। हुए बेहतरीन पूड़ी बन रही है, ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ सस्कैचुआन में, हुए लाहौरी नाश्ते भाई। मुझे
ऑलराइट, तो इसके साथ ही आज का दिन हुआ अख्ताम। अख्ताम से मुराद है हमारा जो फंक्शन था या जो हमारी गेट टुगेदर थी वो आज के लिए ख़त्म हुई। इसी तरह जैसे हर मुल्क में ईद मनाते हैं आप अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे अच्छे खाने खाकर और एक साथ बैठकर अच्छी बातें करके दिन गुजारते हैं, उसी तरह हमने भी ईद का दिन गुजारा। होपफुली आपने लाइक किया होगा और पसंद किया होगा। अगर तो आपको ये ब्लॉग सीरीज पसंद आ रही है तो मुझे और भी आइडियाज दीजिए कि मैं सैस के टूल में आपको क्या दिखाऊं। हम और भी टॉपिक्स पे मैं पोल करूंगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर, ताकि मैं और आपको वीडियोज ऐसी बना के दिखाता रहूं। अगर तो आपको लगता है कि उर्दू में मुझे यानी कि या हिंदी में नहीं बनानी चाहिए और इंग्लिश में वीडियोस बनानी चाहिए ये व्लॉग सीरीज की, तो वो भी मुझे सजेस्ट करें कि अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो जो है अपनी वो अपलोड करनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, तो मैं वो भी कर सकता हूं। होपफुली अगेन यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीस वीडियोज जो मैं पोस्ट कर रहा हूं, और उसके साथ साथ इमिग्रेशन वीडियोज भी कंटिन्यू रहेंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड न्यूज को मिस ना करें और आपको मैं वो सारी न्यूज देता रहा हूं जो आप मुंतजर होते हैं, जिस खबर के लिए या जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है रिलेटेड टू कनेडियन इमिग्रेशन, वो मैं आपको देता रहा हूं। तो हैव अ वेरी गुड डे, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू हु आर सेलिब्रेटिंग अगेन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टेक केयर।